फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो कि हम इडली और डोसा और कोई पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत जल्दी और 5 मिनट में ये चटनी बन जाता है। इसके लिए मैंने अदरक, मिर्च और लहसुन लिया, ये थोड़े से प्याज और 2 टमाटर। अब हमारा ये हम इसको तवा में ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, सरसों तेल मत डालिएगा। तो ऑयल मैंने डाला इसमें, देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है। मैं इसमें ये लहसुन और मिर्च और अदरक डालूंगी। अब मैं इसमें ना उड़द की दाल डालना है हमें। देखिए उड़द की दाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चटनी के लिए। जो हम इडली में उड़द भिगो थे ना, वही उड़द हमें इसमें डालना है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, फ्रेंड्स ये बहुत क्विक रेसिपी है। आपके घर मेहमान भी बैठे होंगे तब आप ये तुरंत ये चटनी बना सकेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी। अब इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे, इसको हल्का फ्राई होने तक इसको हमें भूनना है। इसमें हमारे ये टमाटो और ऑनियन सारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम इसका गैस हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, तब फिर हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे उसको। फ्रेंड्स अब हमारा ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंडिंग करेंगे। अब इसको हम सारा ग्राइंडिंग करेंगे, अब इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे। अब डोसा, इडली, चटनी, इडली पराठा किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। अब हमारा ये पीस चुका है, देखिए अब इसको हम इसमें अब नमक डालेंगे और फिर इसको तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम हल्का सा स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा, इसको अच्छा से मिक्स कर दीजिए। मैंने इधर ये तड़का लगाने के लिए इसमें हम हल्का सा तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, राई और करी लीव्स। और लाल मिर्च, देखिए हल्का से चटक जाएगा तो फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। देखिए तड़का लगा दिया। देखिए फ्रेंड हमारा चटनी बनकर तैयार हो गया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को मत भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।